क्या आपको मालूम है कि रशिया ने अलास्का को 1867 में यूएस को केवल 7.2 मिलियन डॉलर्स में बेच दिया था? क्या आपको ये पता है कि जापान और रशिया में कथित तौर पर अभी भी युद्ध चल रहा है? भाई आप कहेंगे कि मैंने शायद कुछ गलत कह दिया है, युद्ध तो यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, लेकिन मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एंड करने की संधि पर दोनों ही देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए। चलिए अगर ये सब नहीं पता है तो ये तो जरूर मालूम होगा कि अगर रशिया में आप गंदी कार लेकर घूम रहे हैं तो ये गैर कानूनी है। भाई आप कहेंगे ये तो हद ही हो गई है, लेकिन कई सारी ऐसी बातें हर एक देश में आपको मिलेंगी जिनको जानकर आप कहेंगे भाई ये तो हद ही हो गई है। और आज ऐसी ही बातें हम आपको बताने वाले हैं रशिया के बारे में, तो ध्यान से देखिए हमारे आज के इस वीडियो को, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रशिया से जुड़े हुए कई सारे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर एक, क्या आपको मालूम है कि रशिया के पूरे क्षेत्रफल का 45% फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, यानी कि एक ऐसा देश जिसके सिर्फ 55% एरिया में ही इंसानों की बसावट है। फैक्ट नंबर दो, भाई जिस देश में इतना फॉरेस्ट एरिया होगा उस देश में लकड़ी का भंडारण तो होगा ही होगा, तो इसी लिहाज से रशिया के पास दुनिया के लकड़ी भंडारण का 1/4 हिस्सा है। फैक्ट नंबर तीन, रशिया का फॉरेस्ट एरिया 81,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और अगर हम इसका कंपैरिजन इंडिया से करें तो ये इंडिया के क्षेत्रफल से 2.5 गुने से भी अधिक है, यानी कि 2.5 इंडिया मिलकर रशिया का फॉरेस्ट एरिया कवर करेंगे। आज समझे कि रशिया अपने आप में कितना बड़ा देश है, लेकिन किसी जमाने में ये देश और भी बड़ा हुआ करता था अगर सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ होता तो। सोवियत संघ से अलग होने वाले 15 देश हैं रशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्दोवा, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया। फैक्ट नंबर चार, कहते हैं जब युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा विनाश होता है, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो उस समय सबसे भयंकर विनाश हुआ था सोवियत संघ में, क्योंकि उस दौरान लगभग 2 करोड़ लोग अकेले सोवियत संघ में मारे गए थे। फैक्ट नंबर पाँच, रशिया ने अलास्का को 1867 में यूएसए को केवल 7.2 मिलियन डॉलर्स में बेच दिया था, लेकिन अगर एरिया की दृष्टि से आज इसके क्षेत्रफल को मापा जाए तो ये यूएसए का सबसे बड़ा राज्य है। फैक्ट नंबर छह, इंडिया में महिलाओं से ज्यादा पुरुषों की संख्या है, लेकिन अगर हम रशिया के बारे में बात करें तो रशिया में पुरुषों की आबादी से ज्यादा आबादी है महिलाओं की, और कुछ लोगों का ऐसा मानना भी है कि रशिया की औरतें पुरुषों के मुकाबले 12 साल ज्यादा जीती हैं। फैक्ट नंबर सात, जापान और रशिया में कथित तौर पर अभी भी युद्ध चल रहा है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने की संधि पर दोनों ही देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए। इस युद्ध या विवाद का कारण आइसलैंड था, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। फैक्ट नंबर आठ, क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी का सबसे ठंडा शहर कहाँ पर है? भाई आप जान ही गए हैं कि हम बात कर रहे हैं रशिया की, लेकिन रशिया का ये शहर कौन सा है? चलिए हम बताते हैं आपको। ओर्मियाकॉन नाम का ये शहर इस धरती का सबसे ठंडा शहर है, जहाँ पर सर्दियों में औसत तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, लेकिन 6 फरवरी 1933 को हद तो तब हो गई जब रशिया में इस शहर का तापमान पहुँच गया -67.7 डिग्री सेल्सियस पर। यह अंटार्कटिका के बाहर दर्ज किया गया सबसे कम तापमान था, इस वजह से ये शहर दुनिया का सबसे ठंडा शहर माना जाने लगा। फैक्ट नंबर नौ, साल 2022 में रशियन रिसर्चर्स की एक टीम ने 32,000 साल पुराने बीज से साइलेन स्टेनोफिला नाम के एक पौधे को पुनर्जीवित किया था। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको मालूम है कि रशिया में अगर आप गंदी गाड़ी लेकर घूम रहे हैं तो ये गैर कानूनी है। फैक्ट नंबर 11, सेंट पीटर्सबर्ग में एक घड़ी ठीक उसी क्षण को चिन्हित करती है जब रशिया साम्यवादी हो गया था। जब हम शराब की बात करते हैं तो फिर तो हम इसमें कई चीजों को इंक्लूड करते हैं, इंक्लूडिंग बियर, लेकिन क्या आपको मालूम है कि रशिया में साल 2013 तक बियर को एक मादक पेय के रूप में नहीं माना जाता था। फैक्ट नंबर 12, रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद से जो लोग अभी तक रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को नहीं जानते थे वो सब अब उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो एक बात जो आप अभी तक नहीं जानते हैं वो ये है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दादा रशिया के प्रसिद्ध नेता स्टालिन और लेनिन के यहाँ पर कुक थे। रशियन कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री थे।
रशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का उत्पादक देश है। फैक्ट नंबर 13, रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश है। रशिया एक अंतर महाद्वीपीय देश है जो उत्तरी गोलार्ध के चारों ओर फैला हुआ है। ये उत्तर पूर्वी यूरोप और पूरे उत्तर एशिया को कवर करता है, जिसे यूरेशिया कहते हैं। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको मालूम है कि रशिया की एक सड़क को रोड ऑफ बोन्स के नाम से जाना जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस सड़क के नीचे बंधुआ मजदूर और कैदियों के लगभग 10 लाख शव दबे हैं। भाई, ये बात सुन के दांतों तले अगर उंगलियां आपने दबा दी हैं तो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 15, माउंट एल्ब्रुस रशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये पर्वत रूस के साथ साथ पूरे यूरोप का भी सबसे उच्चतम बिंदु है। इसकी ऊंचाई 5,642 मीटर है। फैक्ट नंबर 16, हीरा तो हम सबको पसंद है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश कौन सा है? एब्सोल्युटली राइट, रशिया। वैसे तो क्षेत्रफल के लिहाज से रशिया काफी बड़ा है, लेकिन इसकी आबादी चाइना से काफी पीछे है, या फिर यूं कहें कि इंडिया से भी काफी पीछे है, क्योंकि रशिया की आबादी दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी आबादी है। फैक्ट नंबर 16, रशियंस साल में 2 बार न्यू ईयर मनाते हैं। पहला न्यू ईयर 1 जनवरी को, जैसा कि हर कोई मनाता है, और दूसरा 14 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जूलियन कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत माना जाता है। फैक्ट नंबर 18, आवर्त सारणी के जनक रशियन साइंटिस्ट दमित्री इवानोविच मेंडलीव को कहा जाता है। फैक्ट नंबर 20, रशिया अपने आप में इतनी बड़ी कंट्री है कि ये कंट्री 3 महासागरों की सीमा से जुड़ी हुई है। फैक्ट नंबर 21, वोट का तो आपको बहुत पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है कि वोट का की उत्पत्ति रशिया में हुई है? वोट का शब्द रशियन शब्द वोदा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जल। अगर ग्रहों से रशिया के क्षेत्रफल की तुलना करें तो रशिया का क्षेत्रफल प्लूटो ग्रह से भी बड़ा है। क्या हुआ, आंखें फटी की फटी रह गईं? अगर ऐसा है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 22, क्या आपको मालूम है कि अगर आपको रशिया से यूएस से जाना है तो आप सिर्फ 4 किलोमीटर की यात्रा करके अमेरिका पहुँच सकते हैं? भाई देखिए, भौगोलिक दृष्टि से तो संयुक्त राज्य अमेरिका और रशिया की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर की है। फैक्ट नंबर 23, रशियन भाषा दुनिया की 8वीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। फैक्ट नंबर 24, रशिया के वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी और दुनिया की 16वीं सबसे बड़ी नदी है। इस नदी की लंबाई 3530 किलोमीटर है। भाई जब प्रीशियस मेटल्स की बात हो तो फिर सोने की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर रशिया के परिप्रेक्ष्य में सोने की बात करें तो रशिया चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है। फैक्ट नंबर 25, लड़ाई झगड़े की अगर बात हो तो अक्सर रशिया का नाम सामने आता है, लेकिन रशिया का नाम सामने इसलिए भी आता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार अगर किसी कंट्री के पास है तो वो है रशिया। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको रशिया से जुड़े हुए कई सारे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।